नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने वालों से जुर्माना वसूलने का प्रावधान किया गया है। इसी कड़ी में बेहर तहसील अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में मास्क पहने बगैर घूमने वालों और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों पर चालानी कार्रवाई करते हुए लगभग 2.5 लाख रुपए वसूले गए हैं। कार्रवाई के संबंध में जानकारी देते हुए SDM बेहर गुरु प्रसाद ने बताया कि हमें अब कोरोना के साथ जीने की आदत डालना है और इससे बचने के लिए जरूरी है कि हम हमेशा मास्क लगाकर ही घर से निकलें और सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकें। इनका पालन ना करने वालों पर सबक के तौर पर 100 रुपए से 1000 रुपए तक का चालान वसूला गया है, ताकि आगे के लोग इन नियमों का पालन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान टुडे। लगा साइड में बना सर, सार्वजनिक जगहों पे थूकने और मास्क ना पहनने पे जो चालान काटा गया है, सर कितनी चालान वसूली की गई है? देखिए, ये तो मैं आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं बता पाऊंगा कि कितनी चालान राशि वसूली जा चुकी है और कितने लोगों का चालान कट चुका है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में 2 नगरपालिका और परिषद क्षेत्र आते हैं और 3 जनपद पंचायत आती है। जी सर, तो डेली हर जगह कार्रवाई होती है और इसका मकसद ये है, क्योंकि कोरोना ऐसी एक बीमारी है जो सलाइवा के थ्रू फैलती है और लोग थूकेंगे तो ये बीमारी के बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जी जी, तो जैसा हमारे ऊपर से आदेश आए हैं, थूकने पर अगर कोई पकड़ा जाता है तो 1000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, और कोई मास्क नहीं लगाता है तो उस पर जो है 100 या 200 रुपये।